अस्सलाम वालेकुम। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। सबको मेरी तरफ से, घर वालों की तरफ से मुहर्रम हराम नया साल मुबारक हो। और आज हमने दोपहर में आपको ड्रिंक बताई थी ऑरेंज, और अभी हम जो है हम 10 दिन जो है वो हम सिर्फ ये चीज़ें अपलोड करें खाने पीने की, क्योंकि उसमें एहतराम ज़रूरी है मुहर्रम हराम का। तो जनाब हमने सोचा कुछ ना कुछ तो अपलोड करना चाहिए, तो हमने आज फ़िश, आज हमने सोचा आज शेयर कर लूँ। और यहाँ पर फिश बहुत अच्छी मिल जाती है और मज़ेदार सी होती है, तो यहाँ पर यह है कि फिश खाने में बड़ा मज़ा आता है, और क्योंकि हर वैरायटियाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, इसमें मैं नमक डाल चुकी थी, अदरक लहसुन इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी मैं, सिर्फ इसमें नमक थी। और ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ मसाला है, जो कि सरसों में बनाया हुआ है ये मसाला। उसको काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो बताने का भी फिलहाल इन शॉर्ट में बनाना है मुझे। और ये मैं इसमें मसाला डाल चुकी हूँ, नमक डाल चुकी हूँ। ये है जनाब वेजिटेबल सिरका, अन्नू आप दिखाओ उनको वेजिटेबल सिरका। ये वेजिटेबल सिरका है, ये सब मैंने ऐड किया है। इसमें हम एप्पल वेनेगर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वेजिटेबल का सही लगता है, क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करता। तो जो चीज़ आपको सूट ना करे, ज़रूरी नहीं जो बताया जा रहा है वही करें, जो चीज़ सूट नहीं करती उसको नहीं करें, क्योंकि आप सालों से एक चीज़ खा रहे होते हैं, आपको पता होता है आपको क्या चीज़ सूट कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो आपने ही अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। दिस नॉट माई वर्क जनाब। ये है सफ़ेद जीरा और साबुत धनिया, इसको मैंने भून के पहले से रखा हुआ होता है, भून के और पीस के। तो कुछ डिशेस ऐसी होती हैं लाइक कढ़ाई फटाफट बनानी होती है, या मछली कड़ी बनानी होती है, मतलब मछली का सालन बनाना होता है, और भी चीज़ों में डलता है, लेकिन इसमें फिलहाल हम डाल रहे हैं ज़्यादा, ताकि इसकी खुशबू से जो स्मेल आती है ना फिश की, वो ख़त्म हो जाए, मटन की और इस फिश की और वेनेगर से, और इससे ख़त्म हो जाती है। अच्छा जनाब, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये है हमारे पास ब्लैक पेपर, जो कि बहुत ज़रूरी है हर खाने में डालना, ठीक है। इससे आपके खाने का मज़ा बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये जनाब इसमें जा रहा है गरम मसाला, ये गया इसमें गरम मसाला, बस कुछ भी नहीं, ना नमक ना अदरक लहसुन इसमें, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इसमें मैं असली घी ज़रूर डालूंगी, क्योंकि असली घी और कलौंजी के दाने लाजमी हो, सिरका कलौंजी मेरे हर खाने में होता है, चाहे वो रेसिपी में कलौंजी के चंद दाने, क्योंकि वैसे यहाँ इतनी गर्मी होती है, फिर हम कलौंजी भरते हैं तो फिर कहाँ जाएँ। तो करौंजी और सिरका हर खाने में होता है, चाहे वो रेसिपी में इंक्लूड हो या नहीं हो, लेकिन जब चीज़ सुन्नत है तो उसको हमने फॉलो लाजमी करना है, चाहे उसका उसमें डिश में मौजूद होना हो, ठीक है। अब इसको हम मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग के लिए मैं ग्लव्स पहनूंगी, उसके बाद हम मिक्सिंग करके उसको फ्राई कर लेंगे, बस दैट्स इट। और ये देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।